नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सांगा SEO वर्ल्ड में। आज मैं आपको SEO सीरीज की इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज SEO और बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स। सो स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन दी है, तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। डिजिटल मार्केटिंग इज ए कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइज इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज सच एज ए डेस्कटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड अदर डिजिटल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया। तो इससे हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करते हैं। तो आपने भी कई बार देखा होगा, आपको भी फेसबुक पर काफी सारी एड देखने को मिलती होगी। अगर कोई आप वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट पर भी एड आती है। तो वो कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करती है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग के मेथड है और कौन कौन से मोस्ट फेमस मेथड है जो आजकल चल रहे हैं। तो फ्रेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आता है एसईओ, जिसको हम बोल रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे कि आपको पता है इस चैनल में सारा मैं आपको एसईओ के बारे में बताऊंगा, बट एसईओ के जाने से पहले आपको पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एसईओ एक डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, ठीक है जी। डिजिटल मार्केटिंग में काफी कुछ आ जाता है, जैसे एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईएम है सर्च इंजन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है और मोबाइल फोन एडवर्टाइजिंग है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो स्टार्ट करते हैं एसईओ से। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री, ऑर्गेनिक, एडिटोरियल और नेचुरल सर्च रिजल्ट ऑन द सर्च इंजन। तो मैं आपको बताता हूँ एसईओ होता क्या है, कैसे हम इसे यूज करके अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाते हैं। तो बेसिकली एसईओ मेथड यूज होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए। इसमें हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन की हाई पोजीशन पर लेकर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, हम उसको गूगल की रैंकिंग दिलाते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दो तरह के ट्रैफिक होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हम एसईओ मेथड यूज करते हैं और पेड ट्रैफिक के लिए हम एसईएम मेथड यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये भी मैं साथ में बता देता हूं। जैसे कि एसईएम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, प्रोसेस ऑफ गेनिंग वेबसाइट ट्रैफिक बाय परचेजिंग एड ऑन सर्च इंजन। तो एसईएम में हम क्या करते हैं, हम एसईएम में हम परचेज करते हैं, एड परचेज करते हैं, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए अपनी एड लगाते हैं गूगल पर या कोई भी सर्च इंजन पर, जिसको हम ट्रैफिक लेना होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, लाइक अगर हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है कोई स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, तो हमारा उसमें फ्री ट्रैफिक आता है, उसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। बट अगर हम एसईएम कर रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमको सर्च इंजन को पैसे पे करने होते हैं। तो जैसे कि हम एक कीवर्ड के लिए हम 10,000 पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर हमारा 10,000 का बजट खत्म हो गया, देन हमारी जो एड है वो सर्च इंजन पर नहीं दिखेगी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एसईओ प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपकी वेबसाइट रैंक कर गई तो आपको हमेशा फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता रहेगा। फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पर डाला बेस्ट बैकलिंक चेकर टूल्स, तो सबसे पहले आ रहा है SEObility.net। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड लगी है। जब मैं इस ऐड पर क्लिक करूंगा और जहाँ पर एसईओबिलिटी को पैसे पड़ जाएंगे, और इसे बोलते हैं हम सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये बंदे क्या कर रहे हैं, गूगल को पैसे पे कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट पर पेड ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जीरो पोजीशन, जिसे हमें स्निपेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है शॉर्ट मी लॉर्ड, एचरेफ आ रहा है, बैकलिंको, दी हॉट, नील पटेल, ऐसी वेबसाइट आ रही हैं। ये बंदों ने क्या किया, अपनी वेबसाइट पर एसईओ किया है, उसको रैंक करवाया है सर्च इंजन पर। और या अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अगर कोई भी बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो उस पर फ्री ट्रैफिक जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एसईओ। एसईओ करने से आपकी वेबसाइट फ्री ट्रैफिक आएगा और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो ये डिफरेंस है। देखो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेड ट्रैफिक आएगा, अगर दूसरी तरफ क्लिक करोगे दूसरी तरफ बिल्कुल फ्री ट्रैफिक आएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट आता है SMM, जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, मींस मार्केटिंग ऑन सोशल नेटवर्क और द प्रमोशन ऑफ गुड एंड सर्विस थ्रू डिजिटल मीडिया। और मैं आपको बता दूं ये डिजिटल मीडिया का सबसे फेमस तरीका है आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना ओवर द सोशल मीडिया, क्योंकि आप जानते हो हर एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया पर है। कोई आज का सबसे फेमस मेथड बोलूँगा वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ पर भी आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि कैसे लोग अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। बट ये जो मेथड है वो ये पेड मेथड होता है, जस्ट लाइक ए सर्च इंजन मार्केटिंग। इस पर हमको क्या करना पड़ता है, अगर हम अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमको, अगर हम फेसबुक पर मार्केटिंग करना चाहते हैं हमको फेसबुक पर पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर इंस्टाग्राम पर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर पैसे पे करने पड़ेंगे। तो हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पर अपनी मार्केटिंग करनी है हम उसके पैसे पे करते हैं उस प्लेटफॉर्म को। तो आपको मैं अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड जैसे मेरे फेसबुक का न्यूज़ फीड खुला है तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग अपनी एडवर्टाइज करते हैं अपनी सोशल मीडिया पर। जैसे ये मेरे पोस्ट आ रहे हैं तो अभी ये देखो जैसे एशिया का ऐड आ रही है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड ऐड लिखा है। तो एयरएशिया क्या कर रही है, फेसबुक को पैसे पे कर रही है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्या होगा, एयरएशिया को पैसे पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज ए एक्ट ऑफ सेंडिंग ए कमर्शियल मैसेज टिपिकली ए ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग ईमेल। तो फ्रेंड आपकी भी ईमेल होगी, आपको भी बहुत ईमेल्स आती होगी, ये ऑफर चल रहा है वो ऑफर चल रहा है, कभी फ्लिपकार्ट करता है, कभी अमेजोन करता है, कभी कोई कंपनी करती है, उसको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग हम एक साथ ही 10 लाख या 20 लाख लोगों को ईमेल कर सकते हैं जस्ट फॉर वन क्लिक। तो इसका ऑनलाइन फॉर्मेट भी मिल जाता है, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं। तो आपको मैं इसकी एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग के कैसे मैसेज आपको मिलते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग काफी फेमस मेथड है बट आजकल बहुत कम चल रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये सोशल मीडिया और एसईओ यूज कर रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग जस्ट वन क्लिक आप लाखों लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं और जो इसका कन्वर्जन रेट होता है वो बहुत कम होता है। तो आपको बताता हूँ इसकी एग्जाम्पल। फ्रेंड जैसे मैंने अपनी ईमेल खोली है, यहाँ पर एक मेरे मैसेज शो हो रहा है होस्ट केटर का। होस्ट केटर में स्प्लैश सेल लगी है, 55% ऑफ दे रहा है वेब होस्टिंग पर। इसको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो फ्रेंड ईमेल मार्केटिंग के बाद आता है वीडियो मार्केटिंग, यूजिंग वीडियो टू प्रमोट योर ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप अपनी दो से तीन मिनट की एक वीडियो बनाते हैं, वहां पर अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है गूगल सर्च इंजन के बाद जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो यूट्यूब है। तो बहुत सारी सर्चेज होती हैं यूट्यूब पर भी, तो लोग अपने जो प्रोडक्ट है सर्विसेज है वो अपने यूट्यूब पर भी प्रमोट करते हैं। आपको पता है बहुत सारा ट्रैफिक है यूट्यूब पर। तो आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा कैसे लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं यूट्यूब पर। तो फ्रेंड जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट प्लम्बर इन न्यूयॉर्क सिटी, तो आप देख सकते हो काफी सारी वीडियोस आ रही हैं, 2 से 3 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 3 मिनट की वीडियोस हैं। ये सारे बंदे अपनी वीडियो को रैंक करवा रहे हैं, जैसे हम गूगल पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं और वहां से ट्रैफिक जनरेट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एड भी लगी है न्यूयॉर्क सिटी प्लम्बर्स। तो ये भी क्या कर रहा है, ये यूट्यूब और गूगल को पैसे पे कर रहा है क्योंकि यूट्यूब भी गूगल का एक वेबसाइट है उसका। तो ये क्या कर रहा है, अब अपनी यूट्यूब को पैसे पे कर रहा है अपनी ऐड को ऊपर चलाने के लिए। उसके बाद आ जाता है ये ऑर्गेनिकली जो रैंक करिए। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जाएगा इस वीडियो पर। तो ये सारी ये मेथड है, ये है वीडियो प्रमोशन मेथड है। तो आगे चलते हैं, आगे है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्विंग एंडोर्समेंट एंड द प्रोडक्ट प्लेसमेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन हु हैव द पर्पस एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसर इन देयर फील्ड। तो ये भी काफी आजकल चल रही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इसमें बेसिकली काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं। तो फ्रेंड सभी को नज़र तो आ ही रहा होगा कि मैं किसका इंस्टाग्राम ओपन किया है। जी हाँ, ये है हमारे विराट कोहली, अपने इंडिया क्रिकेट टीम की जान है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो विराट कोहली के 51.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अपनी वीडियोस डाली हैं, फ़ोटोज़ डाली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे मैं इनकी ये वीडियो खोल रहा हूँ विराट कोहली की, और देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है पेड पार्टनरशिप विद स्टे रॉन्ग्स। तो हम सुनते हैं विराट कोहली क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। So, did you get it right? Guys, the Wrongs Spring Summer 2020 collection is officially here. Thanks for all your help in cracking the case. Check out the list below to see if you won, and don't forget to check out the new collection. Stay mad, stay wrong. तो यहाँ पर विराट कोहली स्टे रॉन्ग की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो इनको काफ़ी पैसा पे करती हैं एडवर्टाइज का। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बात आता है मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग। तो इज मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग इज ए मल्टी चैनल ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक फोकस एट रीच ए स्पेसिफिक ऑडियंस ऑन देयर स्मार्टफोन, फ्यूचर फोन, टैबलेट और अदर रिलेटेड डिवाइस थ्रू वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, एमएमएस, सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें जैसे कि आपको काफ़ी सारे मैसेज आते होंगे, प्रमोशन मैसेज आते हैं, ईमेल आती हैं, एसएमएस आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइज। जो आपके मोबाइल फ़ोन कोई भी एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड कोई भी आपको मैसेज आ रहा है, आपको ईमेल्स आ रही हैं, उसको हम बोलते हैं मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे मेथड हैं जो आजकल यूज़ हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के। बट जो मोस्ट फेमस मेथड है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। बट इस सीरीज में आपको मैं बताऊंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, और अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी जरूर बताऊंगा। देखते हैं ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि आपको पता है पहले बिलबोर्ड चलते थे, हर एक शॉप पर उसकी यहाँ पर बिलबोर्ड लगा होता था, बट उसकी जगह आजकल इंफोग्राफिक चल रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में। तो पहले होता था वर्ड ऑफ माउथ, लोग एक दूसरे से बात करके एडवर्टाइजमेंट करते थे, बट उसकी जगह आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रहा है। तो आप भी देख रहे हो कि कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, बस वो जो टेक्निक है मार्केटिंग की वो तो चेंजेस हो गई हैं। तो पहले टेस्टिमोनियल्स होते थे, बट आज जो है आज रिव्यूज़ वेबसाइट्स आ गई हैं, टेलीविज़न की जगह यूट्यूब आ गया है, प्रिंट की जगह ब्लॉग है और डिस्काउंट की जगह एफिलिएट मार्केटिंग है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं वे तो वही है, बट जो टेक्निक्स है वो ट्रेडिशनल से डिजिटल हो गया है, क्योंकि आपको भी पता है जो ऑडियंस है वो सारी आजकल ऑनलाइन है। तो इसलिए जो एडवर्टाइज का फंडा है वो भी सारा चेंज हो गया है। तो फ्रेंड चलते हैं अपने मेन पार्ट पर, जो है व्हाट इज़ एसईओ। तो एसईओ क्या है, जो हमारा मेन चैनल है एसईओ के, आपको पता है एसईओ के रिलेटेड है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन in simple language increase and expose and ranking of site in the search engine mainly Google। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि हमको अपनी रैंकिंग, साइट की रैंकिंग लेकर आनी है सर्च इंजन पर। मेनली मैं यहाँ पर गूगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाता हूँ और गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ही है। और जहाँ पर मैं जो भी आपको बताऊँगा वो गूगल सर्च इंजन के बारे में बताऊँगा, जो भी उसके अपडेट्स हैं, उसकी पेनल्टीज़ हैं, उसके एल्गोरिथम है, ये सारा मैं आपको गूगल के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूंगा मैं। तो नेक्स्ट कर चलते हैं। उसके बाद आता है लोकल एसईओ। दो तरह के एसईओ होता है, नेशनल एसईओ, उसके बाद आता है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट सो दैट यू कैन गेन हाई लोकल सर्च रैंकिंग ऑफ योर बिजनेस। तो फ्रेंड अगर आप किसी सिटी में रहते हो, अगर आपको कोई लोकल सर्विस चाहिए होती है तो आप सर्च करते हो लाइक बेस्ट डॉक्टर इन दिल्ली एंड बेस्ट डॉक्टर इन मुंबई। तो जैसे कि फ्रेंड मैं सर्च करता हूँ बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन दिल्ली। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं 3 पैक। ये मोस्टली लोकल, अगर आप लोकल सर्च करते हो वहाँ पर आएगा। अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल कुछ सर्च कर रहे हो, अगर जहाँ पर आप किसी सिटी का नाम लगा रहे हो किसी सर्चेज में, तो उसको हम बोलते हैं लोकल मार्केटिंग, ठीक है, लोकल एसईओ जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप किसी सिटी का नाम लगा तो आपको यहाँ पर 3 पैक जरूर मिलेगा। कोई सर्विसेज को ये ढूंढ रहे हो या कोई प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर आपको 3 पैक जरूर मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग हुई है, जो ऑर्गेनिक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको वो मिलेंगी। तो ये इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। तो दूसरी तरफ अगर हम चेक करते हैं बेस्ट बैकलिंक चेकर टूल, यहाँ पर हमको ऐसा कुछ नहीं मिलता, 3 पैक जैसा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये जो टर्म है ये लोकल नहीं है, ठीक है जी। तो जो ये टर्म है इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिटी का नेम डाला है तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक सिटी का डाटा हमको बता रहा है, इसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड मेक श्योर कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं